तपस्वी छावनी के आचार्य पीताधीश्वर जगत गुरु स्वामी परमहंस दास जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर प्रार्थना की है राम मंदिर का निर्माण जल्द हो। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। जगत गुरु स्वामी परमहंस दास जी महाराज ने कहा है कि हमने पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राम मंदिर निर्माण की गुहार लगाई है, वह अपील की है। वहीं उन्होंने पत्र में अयोध्या में मंदिर का निर्माण शीघ्र हो, विश्व के समस्त हिंदू और राम भक्तों का कल्याण हो सके। अयोध्या विश्व के समस्त हिंदू व राम भक्तों की पावन नगरी व धाम है। देश विदेश से लाखों की संख्या में राम भक्तगण अयोध्या में आकर रामलला का दर्शन करते हैं। ऐसे में अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर बने, यही सभी राम भक्तों की मंगल कामना है। जगत गुरु स्वामी परमहंस दास महाराज ने भेजे गए अपने पत्र में कहा है, बाबर एक आक्रांता था, उसके नाम पर भारत व अयोध्या में कहीं भी मस्जिद नहीं बनने दिया जाएगा। अगर बाबर के नाम से कहीं भी मस्जिद बना तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अयोध्या से अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट। देखिए आज मैंने जो है मुख्य न्यायाधीश को हमने पत्र भेजा है। मैंने मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना की है कि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आतंकवादी था, बाबर को मुसलमान न समझा जाए क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। अब बाबर के नाम से कोई मस्जिद हिंदुस्तान में न बने, यदि बाबर के नाम से हिंदुस्तान में कहीं कोई ईंट रखी गई तो मैं अयोध्या तपस्वी आचार्य पीठ का पीठाधीश्वर, मुझे अभी श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य की उपाधि सर्वसम्मति से धर्माचार्यों ने दिया है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पद है, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने हाथ से चिता लगा करके और जलती हुई चिता में मैं जिंदा बैठ करके और जल जाऊंगा, क्योंकि देश की भारतीय संस्कृति को जो मिटाने की साजिश किया था उस बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में अब एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। मैंने चीफ जस्टिस से प्रार्थना किया है, मैं लिख के आज भेजा हूं, अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई तो ठीक है, नहीं स्वीकार हुई तो मेरे जीते जी बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी, और यदि बनना शुरू होगी तो मेरी इधर चिता जलना शुरू हो जाएगी।